ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है, जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको इस 30 मिनट में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज बच्चे कहानी सुनेंगे, कहानी के बाद एक गीत और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र शास्त्र यानी बाइबल से परमेश्वर का वचन होगा। तो श्रोताओं, आइए बच्चों की कहानी सुनने से पहले इस गीत को सुनते हैं। उसका एक वादा है वो निभाएगा, उसका एक वादा है वो निभाएगा, मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा, मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा, मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा, मुझको साथ ले जाने मसीहा आएगा। उसका एक वादा है वो निभाएगा, उसका एक वादा है वो निभाएगा। वक्त वो अजब होगा कौन जाने कब होगा, वक्त वो अजब होगा कौन जाने कब होगा, वक्त वो अजब होगा कौन जाने कब होगा, वक्त वो अजब होगा कौन जाने कब होगा। प्यार का मसीहा मसीहा आएगा। उसका एक वादा है वो निभाएगा, उसका एक वादा है वो निभाएगा। जागते ही रहना तुम कहीं न सो जाना, जागते ही रहना तुम कहीं न सो जाना, जागते ही रहना तुम कहीं न सो जाना, जागते ही रहना तुम कहीं न सो जाना। दिल तो ले चुका है
उसका इंतजार है, मुझको उससे प्यार है। उसका इंतजार है, मुझको उससे प्यार है। प्यारे बच्चों, उषा आंटी का आपको नमस्कार। तो तैयार हो कहानी सुनने? पुराने जमाने की बात है, एक व्यक्ति अध्ययन करने काशी गया। विभिन्न शास्त्रों की जानकारी प्राप्त करने में उसे 12 वर्ष लग गए। जब वह लौटा तो घर के लोग काफी प्रसन्न हुए। पत्नी ने उसके स्नान के लिए गर्म पानी तैयार किया। वह उस बर्तन को लेकर स्नान गृह गई। उसने देखा कि वहां हजारों चींटियां हैं। उसने सोचा कि कहीं वे बेचारी बेमौत न मर जाएं, इसलिए उसने गर्म पानी के बर्तन को दूसरे स्थान पर रख दिया। पति आया और बर्तन को उठाकर फिर पहले वाले स्थान पर ले गया और वहीं स्नान करने लगा। पत्नी ने देखा तो वह परेशान हो गई। उसने कहा, मैंने गर्म पानी का यह बर्तन वहां रखा था, यहां कैसे आया? पति ने कहा, तुम भी अजीब बात करती हो, स्नान का स्थान यही है, मैं यही नहाऊंगा। मैं ही उस बर्तन को वहां उठा ले गया। इस पर पत्नी बोली, मैं भी पहले यही रखना चाह रही थी, लेकिन यहाँ चींटियां हैं, आपके स्नान से वे सब मर जाएंगी, इसलिए मैंने इसे दूसरे स्थान पर रखना चाहा। पति बोला, यह तो अजीब मूर्खतापूर्ण बात है, क्या मैं चींटियों को जिलाने के लिए ही जन्मा हूँ? अगर मैं इसी तरह हर किसी की चिंता करता रहा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इस बात से पत्नी दुखी हो गई। उसने कहा, 12 वर्ष तक आपने विद्याध्ययन किया, काशी में रहे, लेकिन समझ में नहीं आता कि आपने क्या हासिल किया। ऐसे किताबी ज्ञान से क्या लाभ जो आपके भीतर संवेदना न पैदा कर सके? क्या आप इतना भी नहीं समझ सके कि किसी प्राणी को अकारण पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए? ज्ञान का सार तो संवेदनाशीलता है। यदि हमारे मन में दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं होगी तो बहुत बड़ा बौद्धिक ज्ञान भी उपयोगी नहीं है। यह सुनकर पति लज्जित हो गया और वहां से निकलकर दूसरी जगह नहाने गया। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं या फिर स्वास्थ्य विषय पर पत्राचार द्वारा अध्ययन करना चाहते हो तो हमें इस पते पर लिखें, वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। श्रोताओं, इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन सुने, आइए ये गीत सुनते हैं। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू
यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें। कर रहा है यीशु वो देखता है, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है, हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जा अभी भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है, आजा अभी भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है, वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें। प्रिय रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, हम अंतिम दिनों के संकट के समीप पहुंच चुके हैं, अनेक सत से दूर हो जाएंगे, वे आत्माओं और शैतान के सिद्धांतों पर ध्यान करेंगे। सतर्क रहे आप क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं। प्रेतवाद पर कभी भी रुचि मत दीजिए, शैतान ताक में बैठा है, अप्रत्येक को देख रहा है। जैसे ही कोई प्रेतवाद सिद्धांतों का अध्ययन करना आरंभ करता है, वो उन पर अपना प्रभाव और शक्ति बढ़ाने लगता है। शैतान संसार को भ्रमित करने के लिए बहुत समय पूर्व से अपनी योजना बना रहा है। उसके इस कार की आधारशिला अदन की वाटिका में प्रतिज्ञा स्वरूप हवा के समक्ष रखी गई थी, तुम निश्चय ना मरोगे, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें
खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल हो जाओगे। उत्पत्ति 4:5। उसने धीरे धीरे प्रेतवाद को विकसित कर अपनी सबसे बड़ी धोखे की योजना को बनाया है। प्रकाशित वाक्य 13:16-13 में लिखा है कि मैंने तीन अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखलाने वाली आत्मा है। ये संसार के राजाओं के पास इसलिए जाती है ताकि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। शैतान अपने सहायकों को स्थिर करता है, सबको ललचाता है जो उसके अधीन हो सके। वो हर प्रकार के प्रलोभनों का उपयोग करता है। अनेक प्रभु और अनेक देवता होंगे, ऐसी चिल्लाहट सुनाई पड़ेगी, देखो यही यीशु है। शैतान की पहली चाल स्वयं प्रकट करेगी ताकि स्त्री पुरुष अपने कर्तव्यों से अपना ध्यान हटाकर उसकी सुने। हर जगह चिन्ह और आश्चर्य कर्म देखे जाएंगे। जैसे जैसे हम समय की समाप्ति की ओर अग्रसर होते हैं, नास्तिकों की सेना का बाहरी रूप और अधिक बलशाली रूप में सामने आएगा। देवी देवताओं की शक्ति सामने आएगी। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन संसार के देशों नगरों में करेंगे। अंधकार का राजकुमार, जिसने लंबे समय से अपनी शक्ति को अपने छल कपट की योजना में लगाया है, याकूब 3:15 में लिखा है, ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से आता है, वरन सांसारिक और शैतानी है। इस प्रकार उन्हों की काल्पनिक को प्रकाष्ठ की सीमा तक ले जाता है ताकि लोगों का घमंड दुगना हो जाए। वे अपने बुद्धि कौशल से अभिमानी हो जाए और अपने मनों में सर्वशक्तिमान अनंत परमेश्वर को तुच्छ समझे। 1 थिस्सलुनीकियों 2:8-12 में लिखा है, तब वो धर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की भूख से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। इस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह, अद्भुत काम और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह, अद्भुत काम और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को स्वीकार नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ पर विश्वास करें। जितने लोग सत्य पर विश्वास नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएंगे। शैतान स्वयं को यीशु की भूमिका में प्रस्तुत करता है। कलीसिया एक लंबी अवधि से यीशु के आगमन की प्रतीक्षा में है। अब उसकी आशा अपनी प्रकटता पर पहुंच चुकी है। ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर महाछली ऐसा नाटक रचेगा माने यीशु मसीह आ गए हैं। शैतान का वैभव जिसके चारों ओर घिरा होगा वो ऐसा वैभवशाली होगा जैसा आज तक किसी आंखों के सामने से नहीं गुजरा। चारों ओर विजयोल्लास का स्वर गूंज उठेगा, यीशु आ गए, यीशु आ गए। लोग उसके प्रति सम्मान से नतमस्तक होकर दंडवत करेंगे। वो अपने हाथ उठाकर लोगों पर अपनी आशीष की घोषणा करेगा, ठीक वैसा ही नकल करेगा जिस प्रकार
प्रभु यीशु अपने शिष्य को आशीष देते थे। जब वे पृथ्वी पर होंगे, लोगों के रोग मुक्त करेगा, वो दावा करेगा कि उसने पवित्र शब्द के स्थान पर रविवार को पवित्र ठहराया है। वो सब को आदेश देगा कि वो रविवार को पवित्र मानकर चले, कि उसने इसे आशीष दी है, पवित्र मानकर पालन करें। शैतान समय का लाभ उठाकर प्रभु यीशु का अभिनय करेगा। वो यहां तक संभव हो चुने हुए को भ्रमित करेगा। केवल वे जो परमेश्वर की सामर्थ के अधीन है, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, सुरक्षित रहेंगे। अन्यथा समस्त संसार शैतान के भ्रम के सागर में बह जाएगा। लोग गहरी नींद में पड़े हैं। आने वाले भयंकर स्थिति का उन्हें कोई अभ्यास नहीं है। वे ऐसी लापरवाही की नींद से उसी समय जागेंगे जब परमेश्वर का क्रोध उन पर उमड़ पड़ेगा। मेरे मित्रों, आप इस कार्यक्रम को सुने, हम इसमें बहुत सी ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आपने न कहीं पढ़ी होगी ना सुनी होगी। शैतान आज चारों तरफ घूम रहा है और वो परमेश्वर के वचन को तोड़ना चाहता है, तक परमेश्वर के वचन से दूर जाए। क्या आप परमेश्वर के वचन से दूर जाना चाहते हैं? अगर नहीं तो मेरे साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम सुनने वाले हर एक श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। हम चाहते हैं कि तू उन्हें वचन का ज्ञान दे, अंतिम युग में, अंतिम समय में जो होने वाला है उसका ज्ञान दे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनके जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। उन्हें बुद्धि दे और ताकत दे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप मुझे कभी भी किसी भी समय इस नंबर पर फोन कर सकते हैं, बात करवा सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरी ईमेल एड्रेस है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। आप हमें ऑनलाइन में भी सुन सकते हैं। हमारा पता है AWR हिंदी एशिया। कार्यक्रम सुनने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। वक्त को अजब होगा, कौन जाने कब होगा। वक्त को अजब होगा, कौन जाने कब होगा। प्यार का मसीहा वो पर जरूर आएगा। प्यार का मसीहा वो तो आएगा। मसीहा आएगा, मसीहा जागते ही रहना तुम कहीं न सो जाना। 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 दिल तो ले चुका मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा।
एक वादा है वो निभाएगा, उसका एक वादा है वो निभाएगा। उसका इंतजार है मुझको उससे प्यार है, उसका इंतजार है मुझको उससे प्यार है। उसका इंतजार है मुझको उससे प्यार है, उसका इंतजार है मुझको उससे प्यार है। यीशु राजा मसीहा आएगा, 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 मसीहा आएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य लिखें, हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। श्रोताओं, अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इस मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष देगा।